पूर्ण मलका, सादर प्रणाम और चरण स्पर्श, राम राम जी। अरे हाँ, मेरे महल में इतना सुंदर, इतना सुशील, इतना खूबसूरत, इतना सॉलिड बॉडी वाला लड़का आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। आप कौन हो, आपका नाम क्या है? ओए होए भाई, बहुत तेरी सलेवान, बैठ जा। क्या कह रहे हो? इतना सुंदर सुशील लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, आप कौन हो, आपका नाम क्या है? अच्छा जी, इतना सुंदर लड़का कभी नहीं देखा। नहीं देखा? मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ है। मेरा नाम पूर्णमल है बेटा। हाँ, और मेरे पिताजी का नाम सलेभान है, जो कि आपके पति हैं। मैं उनका बेटा हूँ, तो आपका भी मैं बेटा हो गया, आप मेरी माँ होगी। तो मैं एक मिनट। हाँ जी, होल्ड रख। अच्छा जी, तब बताओ ये मेरा बेटा लग रहा है? हैं जी, ना लग रहा ना बेटा? मैं तेरी माँ नहीं लगती? और ना, मैं तेरी और कुछ लगती हूँ? ले बोल, मेरे बाप की बहू मेरी माँ लगी और तन बुआ कह दू? अरे नहीं। और अरे, जिसकी कोख से जन्म लिया तू उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तू उसने कही है माता, और जुल्मी जोबन कौम दे मेरा नौकर में आता। भाई मौसी, हाँ, तेरे जोबन ना काबू में मेरा बाप ही करेगा, मेरे बस की बात नहीं। मने तो आशीर्वाद देती हो तो दे, नहीं मैं तो जाऊं अपने घर में। मेरी बात सुन। हाँ, तू अब यहाँ से नहीं जा सकता मेरे बिना इजाजत के। तो इजाजत में आप मेरी माँ हो और मुझसे बड़े हो, तो मैं आपकी इजाजत ले लेता हूँ। बताइए कैसे लूँ? कि पूर्णमल तुझे पति समझ लिया है? पूर्णमल तुझे पति समझ लिया? कैसी बात करती हो? माना के सत्यानाशी, और आ बैठ, तेरे पैर दबाऊं, क्योंकि तू राजा और मैं दासी। भैया तो सिस्टम फेल से हो रहे। तो सुन मौसी, मेरा जो है ना, हाँ, वो नाता ये है कि मैं आपका हूँ बेटा। अच्छा, और मैं, मेरा ये अधिकार नहीं बनता कि मैं आपसे ये पैर वैर दबवाऊं या कुछ दबवाऊं। मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ। मुझे आप आगे मेरी बात सुन। हाँ, कैसे चला जाएगा तू घर? मैं बाज के जब तक मैं नहीं भेजूंगी तो मैं तो जाऊंगा। नहीं जाएगा तू? नाम नहीं जाएगा, सुन ले। जा पूर्ण प्यारी करी प्यार। हाँ, नहीं नहीं नहीं, प्यार मैं नहीं कर सकता। क्यों? मैं तो एक माँ वाला प्यार तो आपसे कर सकता हूँ, अन्यथा और... Shut up! What is this? क्या माँ? माँ तो तेरी वो है। You're my mother. No mother. I'm your son. No no no. I am girlfriend. No. Bad thinking. No no no. आजा पूर्ण प्यार करे, मतना तू इनकार करे। आजा भूत निकाले भूत पे, मौसी क्यों लाचार करे। आजा आना, आजा आना, आजा पूर्ण प्यार करे, मतना तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे, मतना तू इनकार करे। तेरे लग्या इश्क का रोग, मैं जान गया तेरे लग्या इश्क का रोग। चाल से जब पूर्ण कर ले भोग, मैं पाप करूं मन थूकेंगे सब लोग। हाँ, मैं पाप करूं मन थूकेंगे सब लोग। इस माँ बेटे के प्यार में, इस माँ बेटे के प्यार में, मत ना मौसी खार करे। आजा ना, आजा ना, आजा करे, बदला तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे, बदला तू इनकार।
बैठ लो। 50 रुपए पप्पू सरपंच और 100 रुपए प्रदीप, मान सम्मान करते हैं। ओहो, यो किसका खुला गया जी? अच्छा, यो कोरोना है भाई। वाइस कहियो तो नू कहे लोग सैनिटाइजर तो मर जाएगा, यो तो कशे तभी ना मरे। बैठ लो, आइए। तेरी नजरा में से खोट, अच्छा? मैं जान गया तेरी नजरा में से खोट। ताल से जब पूर्ण कर ले वो, मैं बेटे पे मत धरे पाप की पोट। तू बेटे पे मत धरे पाप की पोट। क्यों? अरे डूबे की मझदार में, तू डूबे की मझदार में। अरे क्यों दिल्ली पतवार करे? मुझसे ये बताओ पहले, अब तक तुझे नहीं पता मैं क्या चाहूं? नहीं, मैं कुछ स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया। तू जानबूझ के मुझे पागल बना रहा है ना? नहीं नहीं, तुझे सब पता है ना कि तेरे मन में भी लड्डू फूट रहे हैं ना? अब मेरे के बिना फूट रहे, सुन। मतलब क्या चाहते हो आप? मैं नु चाहती हूं कि आप मुझे मां मत कहो। और मैं तने के कहूं? तू मुझे प्यार से एक बार मम्मी जी कह दूं। मम्मी जी शट अप। तू मुझे प्यार से एक बार डार्लिंग बोल दे। हे राम, जाने मन बोल दे। ओ राम मरेगी भाई। जाने जिगर बोल दे। राम, ये नहीं नहीं। दिल रुबा बोल दे, कट्टा बोल दे, बाबू बोल दे, गुड्डा बोल दे। ये नहीं नहीं, बीमारी नू ही चल रही है तेरे जिसी, जो टिकट नहीं दे रही देश ने। सुन, ये जितने भी शब्द आपने कहे, हाँ, ये कहने का अधिकार केवल मेरे पिताजी को है। अरे क्यों तू खामखा अपने पिताजी का नाम लेके सारा मौसम खराब कर देता है तू? सुन मेरी बात। हाँ। मैं कह रही हूँ राजी राजी मान जा मेरी बात, वरना तुझे पता नहीं है कि औरत के कितने रूप होते हैं। मैं तुझे अपना दूसरा रूप भी दिखा दूंगी। भाई औरत के रूप होते हो ना मौसी, तेरे कई रूप है। बताऊ? तेरे ताली, नागन काली, नाश करने वाली, बुंडे मुंह वाली। अच्छा, और मैं कुछ कह दूंगा बुरा मान जाएगी। अच्छा, हाँ। मतलब मानेगा नहीं मेरी बात? ये मानन की बात है, शर्म नहीं आई? नहीं मानेगा मेरी बात? बेटे के ऊपर कैसी उल जलूल हरकतें? छी। अच्छा छी, आज अभी करूंगी तेरी छी, सुन ले। गुरु अमित कहे मूंगा में न लिकड़े थे। गुरु अमित कहे मूंगा में न लिकड़े थे। अच्छा, कैलाश चंद्र राम ने, कैलाश चंद्र राम ने तेरी चिंता ना संसार करे। अच्छा, तो जा पूरन,
तू क्या जाएगा अपने भाई के धोरे? अब भाई नहीं, मैं अपने पिताजी के पास जा रहा हूं। अच्छा पिताजी के धोरे जाएगा, तो अपने पिताजी के धोरे जा और देख मैं कहां जाऊंगी और देख तेरे बारे में के बोलूंगी। आजा तू चल किता ही जा, चल आजा। लाख प्रयत्न करता है अपने बचाव में पूर्णमल, लेकिन मौसी ने तो जाल दूसरा फैला दिया। दिया जनरल स्टोर 100 रुपए, धन्यवाद। अपनी मौसी को महल में धक्का देके पूर्णमल भाग गया। भागते भागते पूर्णमल का जो रुमाल था मौसी के हाथ में रह गया। मौसी न्यूना देन अपने मन में सोची कब ये पूर्णमल तेरी शिकायत जरूर करेगा, क्यों ना कोई ऐसा काम कर दे उल्टा चोर कोतवाल डटे। अपने कपड़े पाड़ लिए, चूड़ियां फोड़ ली, माथे में सर मार के घंटा खोल लिया, दासी बांदी पहरेदारों को बुला के अपने हक में कर लिया और को भवन जाके पड़गी। हलकारा भेजा कि राजा सलेभान अभी इसी वक्त अगर आ गए तो आ गए, नहीं तो न्यूना दे आत्महत्या कर लेगी। राजा सलेभान को पता चला कि रानी न्यूना दे को भवन में पड़ी है, एकदम टेंशन में होके सारे काम धाम को छोड़ के न्यूनादे के पास आता है। क्या सलेभान कहता है और क्या न्यूनादे थप्पर भरती है, आइए सुनाते हैं। अंधेरे गुब्बार महल में दिया न बाती, रानी न्यूना दे इस कोप उनमें आने की क्या जरूरत पड़ी, खड़ी हो चल रंग महल में चल। ए न्यूना दे, अरे न्यूना दे, रानी, ए रानी न्यूना दे, मेरे दिल की प्यारी तेरी आंखों में आंसू आ गए, आग लगा दूंगा पूरे धंजर में, बता कुछ खाने को मन कर रहा है, पियर में जाना है, घूमन चल लगी कर रही है, क्या हुआ कुछ तबीयत खराब है? महाराज, हाँ रानी, आज भी खड़े होने के लायक नहीं हो। खड़ी होने के लायक नहीं है, खड़ा तेरे पे भी नहीं होया जा, पढ़ लिया तू भी, रानी न्यूना दे एक बार खड़ी होके बात कर। नहीं महाराज, किसी वैद्य हकीम को बुलाऊं? नहीं महाराज, मेरे जखों में ऐसे हुए महाराज की कोई वैद्य हकीम भी नहीं देख पाएगा महाराज। रानी खड़ी हो? नहीं महाराज, एक बार अपनी शक्ल तो दिखा दे महाराज। हाँ शक्ल देखना चाहते हो? हाँ हाँ, तो ले देख महाराज। अरे देख रानी, ये तेरे बाल किसी चुड़ैल की तरह बिखरे हुए हैं। हाँ। तेरा घंटा खुल रहा है। हाँ, घंटी भी। ये तेरी चुंदड़ी पाटी पड़ी है। हाँ। सूट पाटा पड़ा है। हाँ। ये सब रानी, मुझे लगता है तू सीढ़ी पर चढ़ते वक्त गिर गई होगी। नहीं महाराज। और महाराज, ये जो मेरी हालत है ना, आगे। हाँ हाँ, हौसला रख, हौसला रख। मम्मी रानी, आज बड़ा खुशी का दिन है, आज मेरा पुत्र पूर्णमल 12 साल के बाद भोरे से बाहर आया। पुत्र? वो तेरे से मिलने आएगा, तू अपना हुलिया बदल ले, कोई बात नहीं चोट लगी पाछे रो लिए। अरे महाराज, वो ही तो आया था। तो क्या पूर्णमल के दर्शन कर लिए? दर्शन? हाँ,
कर लिए बढ़िया वाले दर्शन। रानी क्या उलझल उल बातें करती है? मैं अच्छा अपने बेटे को बुला और पूछ उससे। पूछ उससे? हाँ पूर्णमल। पिताजी प्रणाम। बेटा प्रणाम तो होगी, मैंने तेरे को तेरी मौसी के दर्शन करने के लिए भेजा था। हाँ अपनी मौसी के चरण छू के आशीर्वाद ले लिया? पिताजी मैं तो आशीर्वाद ही लेने गया था मौसी का, पर पता नहीं मौसी के मुझे विचार ठीक नहीं लगे, मैं महल से भागकर आ गया। फिर विचार ठीक नहीं लगे मतलब जाते ही रानी न्यू ना दे। जी महाराज। ये क्या कह रहा है? महाराज ये जो मेरी हालत हो रही है ना, तू रोती बहुत ज्यादा है, साफ साफ बता। महाराज ये जो मेरी हालत है ना, इस हालत को जिम्मेदार तेरा ये पूत है। पूत पूरन? हाँ। के कर दिया रे? 12 साल में दाद लिकड़ गया, आते हो ठम कर दिया। पिताजी कुछ नहीं करा, के हो गया, बात के है। देख देख कितना भोड़ा बन रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रही, हो रहा के है यो? भोड़ा बन रहा हूँ महाराज। रानी पहले तो तू रोवे ना, तू रोवे मेरा जी काचा काचा हो। मैं तो महाराज मरूंगी, मैं तो आज मरूंगी, आज यही मरूंगी यही। ना तो मेरा फैसला कर, मुझे इंसाफ चाहिए इंसाफ यही। हाय न्यू ना दे तो सुन। क्यों रोए? तेरा पूरण से बदमाश। यो बदमाश? हाँ ऐता इतने बदमाश लगे है, इतना बोला टाबर। अच्छा हाँ हो तेरा पूरण से बदमाश। ना रानी ना, मेरा इकलौता बेटा है ये भगत है। अच्छा हाँ तेरा पूरण से बदमाश यमने सताने से नूना दे रो रो रुदन मचावे से। नूना दे रो रो रुदन मचावे से। खाज हो रही दिखे। ओए ये खाज नहीं, मैं तेरी हरकत बता रही जो तूने मेरी गेल करी है। बच्चा है? बच्चा महाराज तू इसने बच्चा समझ रहा होगा। हाँ तन्ने नहीं पता ही जितना छोटा है उतना ही। ना रानी ना मेरी बात सुन। हाँ पूरणमल से गंगा जल, मासा जी सुन रहे हो? पूरणमल से गंगा जल ना इसमें गाद कति से। मेरे रोज महल में आवे जावे ना इसमें गाद कति से। मेरे रोज महल में आवे जावे ना इसमें गाद कति से। रानी तेरा झूठ पकड़ा गया। कैसे? रोज महल में आता है। बिल्कुल झूठी। क्यों? यो तो 12 साल रहा भोरे में, 12 साल रहा भोरे में। पूरन पूत जती से मने साप बता दे, मने साप बता दे थारे दोनों में कौन सा मेरा पति से। साप बता दे थारे दोनों में कौन सा मेरा पति से। बुद्धि खराब होगी, मैं सू तेरा पति, ये बेटा है धर्म का। मेरी बात सुन ले महाराज कान खोल के, अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? क्यों एक ही तलवार है? नहीं महाराज। हाँ। इसने तो वो दूसरी तलवार फाड़ के मैं यानी फाड़ दी। रत्न ये है कि... ये
मारा इसके, ऐसे मार मारा। नहीं नहीं बच्चा है, बच्चा है, ऐसे मार इसके। मासी जी के लागी बच्चा है ये भी। गई बिगड़ मती से, रे 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 रे, गई बिगड़ मती से, गई बिगड़ मती से, क्यों रह में काटे बोवे से, बिगड़ मती से, क्यों रह में काटे बोवे से। मेरा पूरन से बदमाश, मेरा पूरन ना बदमाश, मेरा पूरन से हराम मन यो सतावे से। तेरे शर हो जाएगा, इसका बीमा भी कोई ना हो रहा। फैसला करूं? कर। तेरी मर जाएगा मेरी गैल, तैयार है मरने को भी। तू फैसला कर, नहीं तो हम दोनों मरेंगे आज। यो जीते जी मरिया पड़ा है यो। वीर तुम बड़े, चलो बैठो, दशहरे के दिन इसने बैठो, मरना होगा तब बुलाएंगे, बैठो। एक फैसला तो मैं तेरा धनी और इसका बाप बनके करूं, ठीक है, और दूसरा फैसला एक राजा बनके राजधर्म का पालन करते हुए करूं। बता कैसे फैसला चाहती है? आप जैसा चाहे महाराज। बेटा पूरन, अगर तेरी गलती हो तो तू अपनी गलती मान ले, शायद मैं तुझे माफ कर दूं। पिताजी 1% भी गलती नहीं मेरी। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात है। मेरी कसम खाके अपनी मौसी को विश्वास दिला कि तेरी कोई गलती नहीं, इन सबको विश्वास हो जाए। आपकी कसम पिताजी, कोई गलती नहीं मेरी। ताली बजानी पड़ेगी, मैं गलती नहीं तो। अब रानी तू बता, अगर मेरे बेटे की गलती है तो तू मेरी कसम खा के बता के गलती है, दूध का दूध पानी का पानी, धनी बन का फैसला कर रहा हूँ। तेरी कसम ओ बापू, मरे मरेगा तू तो गयो काम से। संविधान कहता है कोई मुकदमा हो तो उसमें रिश्ते नाते नहीं देखे जाते। मैं तेरा बाप नहीं, मैं तेरा धनी नहीं, मैं तो राजा बनकर फैसला करूंगा। और बन ले, बन ले। बीमार भैया ही रासा, तू मर जाओ कदेश मां कभी रोब ना पाटेगो। पूरन जी, तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत हो तो पेश कर। सबूत तो पिताजी, जिस टाइम मैं मौसी के पास आया था ना, हाँ, मौसी के पहले से ही दिमाग में कोई पता नहीं के सिस्टम था के नहीं, इसने तो पहले ही जितने भी पहरेदार बंदी दासी कोई तो नहीं था, महल में एकली थी महाराज, एकली। अच्छा, और जाता है मुन पकड़ लिया और बोली भीतर चाल मोहन ना मैं भाग्या। कोई सबूत गवाह नहीं है रानी न्यूना दे, तेरे पास कोई सबूत है जिससे मेरा बेटा पूर्णमल चरित्रहीन साबित हो जाए? अरे महाराज आप एक बार बोलिए तो सही, मैं तो सबूतर गवाह की लेन लगा दूंगी लेन। कोई एक चश्मदीद गवाह मुझे बता दे। बिल्कुल है महाराज, जो 24 घंटे मेरी गैल मेरी बांधी रहती है। ये कौन? के दादा के? ये विद्या सागर जी है। झूठ बोल रही है, प्योर झूठ बोल रही है, सफेद झूठ। ये सब झूठ का भी कोई कलर होता है क्या? काला झूठ, हरा झूठ, पीला झूठ, सफेद झूठ, इसके सारे कलर तो उड़ लिए, बस सफेद ही बचा है। ना 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 ना, इनसे मजाक मत करो, ये गुरुजी है। चलती है, चलती है इतनी तो, खुली करो।
फिर मैं तुझे नहीं रोकता जब बाबा ने कह दी खुली कह दी नहीं लोग ऐसे ही मेरे दांत फाड़ दो कि मैं ना हूं रानी कोई चश्मदीद गवाह पेश किया जाए हे महाराज कौन है जो 24 घंटे मेरी गैल मेरी बांधी रहती मेरी दासी रहती है हाँ। आप उससे पूछ लीजिए उस टाइम उस वक्त वो वहीं थी बंदी हाजिर हो हाँ भी प्रेम कौर आपने क्या देखा भगवान को साक्षी मानकर जो कहना सही कहना सत्य कहना नहीं तो कुछ नहीं कहना ठीक है महाराज जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी क्या पूछना चाहते हो आप मैं ये पूछना चाहता हूँ जी क्या मेरा बेटा पूर्णमल रानी न्यूनादे के पास में आया था जी बिल्कुल आया था क्या इसने चरण स्पर्श किए नहीं प्रणाम की नहीं तो फिर क्या किया इसने झींगा लाना मेरी महारानी के साथ में बहुत कुछ करने की कोशिश की थी। गलत हरकत की जी हाँ जी तो मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ इजाजत है अच्छा दासी जी हाँ जी आप उस टाइम कहाँ पे थे मैं जब तू हरकत कर रहा था ना मैं उसी खाट के नीचे थी खाट सही को ना राजाओं का खाट होती होगी मतलब बेडरूम के नीचे अच्छा उसके बेड के नीचे हाँ जी पप्पू सरपंच भाई ने 100 रुपए दिए धन्यवाद भाई महाराज हाँ ये तो नुक है मैं बेड के नीचे थी बेड के ऊपर हरकत बेड के नीचे मैं थी दिख रहा मुझे भगवान की कसम खा बता दिया आप यकीन करो मेरा भगवान की कसम खा जी हाँ कसम से मैंने ये हरकत देखी थी तो तू बेड के नीचे तन के मेरा बेड के ऊपर क्यों हो रहा है इसने कैसे देखा मारा अरे इतना तो महसूस कर लेते कोई अंधी थोड़ी हूँ मैं आजा खुड़का सुना है तू भी खुड़का सुन जाए महाराज तमाम गवाह और सबूत को ध्यान में रखते हुए पूर्णमल दोषी पाया गया अब आगे की कार्रवाई होगी चलिए मेरा इकलौता बेटा है ध्यान रख लेना एक ही बेटा है दूसरा नहीं है थोड़ा सा रहम कर ले नहीं महाराज उसकी लाठी में आवाज नहीं होती कदे देख ले तू भी पूरी कांप जा कदे बाद में अरे तू अपनी लाठी के बारे में सोच तेरे पे कैसी कैसी पड़ेंगी तेरे पे लाठी मोसी गल्या इश्क करे नीच क्या तेरे गुरुओं ने तुझे यही सिखाया पिताजी कैसी बात करते हो आप बाप की स्त्री उसकी बहन मौसी माँ के जैसी होती है गुरु की पत्नी भी माँ के जैसी होती है अरे क्या तू सारे शास्त्र उपनिषदों को भूल गया मौसी गल्या इश्क करे इब पूत कहू के जार तने माता ते बढ़ के मौसी का करा घना सत्कार बने माता ते बढ़ के मौसी का बन के पति सती की गल्या करया गलत व्यवहार तने मैं ब्रह्मचारी जीवन जीऊं पिता तये ना घर बार मने ब्रह्मचारी जीवन जीऊं पिता तये ना घर बार मने तू ऐब करण के तू तो ऐब करण के नए नए रस्ते ढोवे से ऐब करण के झूठिया तने भलो वैसे नूना दे
सबूत सारे गवाह तेरे खिलाफ है और तुझे सजा देनी पड़ेगी, और सजा भी ऐसी दूंगा भविष्य में कोई ऐसी गलती कभी ना करे। पिताजी हाँ, अभी तो मेरी कोई गलती है नहीं, लेकिन अगर फिर भी आपको ये लगता है कि मैं दोषी हूँ और मुझे सजा ना देने से आपकी न्याय व्यवस्था भंग होती है, तो आप बेशक मुझे मार दीजिए, मैं गर्दन भी ऊपर नहीं करूंगा। निश्चित रूप से आप दोषी हो, यहाँ कोई भी आपकी जमानत लेने को तैयार नहीं है। मास्टर जी दोषी है कि नहीं है, इधर आओ। बिल्कुल, मैं हूँ इस बच्चे का साथी। जमानती हो साथी हो, ऊपर माइक कर लो। हाँ, कोई बात नहीं। इसके बदले में आप मर सकते हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपकी ये बच्चा नहीं। हाँ ए राजा सुलेमान, ये बच्चा नहीं है कि योगी जन्म जति योगी है, लेकिन मैं आपकी उम्र का लिहाज करते हुए कहता हूँ। अच्छा, अगर करके दया छोड़ दूं बेटे ने। हाँ। यू ते चाड़ा से। हाँ। एक औरत के बिना जति की परीक्षा कौन लेना से। अच्छा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा। हाँ। कि आप अपनी जमानत वापस लीजिए और जहां से आए वहीं पर जाके बैठ जाइए। आ जाइए। एक ऐसा चंबा, सुनो जी, आज एक पिता अपने पुत्र ने कत्ल करेगा अपने हाथ से, क्योंकि अगर मैं ना करूं तो भविष्य में तेरे जैसे लड़के और भी पैदा होंगे, वो भी इस कुकृत्य को करेंगे। रिजेक्ट। एक कोई आखिरी इच्छा? पिताजी, के राम जानता मां बेटे में कौन से की नाला की थी, गादड़ाली मौत मरूंगा न्यू लिख रखी थी। कोई बात नहीं, मार दो आप। एक दो तीन। रुके महाराज। सजनों, राजा सुलेभान का एक बड़ा वफादार वजीर था रूपे शाह दीवान। वो रोक लेता है तलवार को। रूपे शाह दीवान। जी महाराज। बेटा, क्या तेरे को पता है राजा की चलती हुई तलवार को रोकना देशद्रोह के बराबर मुकदमा बनता है? बिल्कुल पता है महाराज, बिल्कुल पता है। तो ये भी पता होगा जी, ये राजशाही तलवार को पकड़ने के जुर्म की सजा क्या है? सजा की भी पता है, लेकिन आप अपनी सजा सुना दीजिए मुझे। आजीवन कारावास। बिल्कुल मंजूर है। तेरी सारी संपत्ति जब्त। बिल्कुल मंजूर है। और सुन जी, 3 लाख रुपए का जुर्माना करता हूं। 3 लाख का? 3 लाख का जुर्माना? 3 लाख का नगद रोकड़ा। के 3 लाख के बदले में, 3 लाख के बदले में 10-20 लाख तक भर दूंगा, और दूध और पानी अलग छांट के सही फैसला कर दूंगा। तू? बिल्कुल महाराज। हाँ, आपकी आंखों में प्यार की पट्टी बंध रही है, नूना देके प्यार की पट्टी। ऐसा नहीं, आप अपने इकलौते बेटे को मरवाना चाहते हो। इसने जुर्म किया है? इसने कोई जुर्म नहीं किया। मोह में मत आ। मोह में नहीं महाराज, ये बच्चा निर्दोष है बिल्कुल। आप एक दिन पछताओगे। मैं तेरी सजा माफ कर सकता हूँ। ये तलवार गिरा दी नीचे। जी। रूपे शाह तलवार उठा, इसकी इज्जत कर। जी महाराज। रूपे शाह तलवार उठा, पूरन की गर्दन तार लिए। निर्दोषी से लाल तेरा तू, कर मेरा एतबार लिए। निर्दोषी से लाल तेरा तू, कर मेरा एतबार लिए। बेगराज कहे तू मेरा नौकर, बेगराज कहे मेरा नौकर, मेरी आज्ञा सिर पधार लिए। कैलाश चंद पूरण से पहले रूपे सान मार दिए। कैलाश चंद पूरण से पहले रूपे सान मार दिए। अमित चौधरी हे रे 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 रे, अमित चौधरी गुणियों को सी झुकावे से। अमित चौधरी गुणियों को सी झुकावे से। और बिना गुरु के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान ध्यान ना होवे से। ओ नूना दे रो रो
विचार करना, 12 साल तक पूर्णमल का शरीर कटा पिटा कुएं के भीतर था। 12 साल के बाद जब बाहर निकाला, बाहर की हवा लगी, शरीर बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि शरीर भी अपनी एक कैपेसिटी रखता है। पूर्णमल का शरीर अकड़ गया और अगले ही पल पूर्णमल की भीतर कुएं में पड़ के तो मृत्यु नहीं हुई, लेकिन बाहर निकल के बाहर का वातावरण बर्दाश्त ना कर पाया, एकदम से हवा लगी और पूर्णमल वहीं मर जाता है। गुरु गोरखनाथ पूर्णमल की शक्ल देख के सोचते, कितना प्यारा बच्चा है, किसी का शायद किसी दुश्मन ने इस बच्चे को मार के कुएं के भीतर गिर दिया। तू संत है गोरखनाथ, तेरा कर्तव्य बनता है इससे पूछ के तू कौन है, लेकिन बताने वाला तो मर गया। गुरु मच्छिंद्रनाथ का दिया हुआ संजीवनी मंत्र पढ़ते हैं गोरखनाथ और पूर्णमल का पुनर्जन्म करते हैं। गंगा जल हाथ में लेके हरिओम अज्ञान तिमरान दश ज्ञानातम सलाका चक्षुण मिली तमिन दसम श्री गुरुवे नमः। बेटा मैंने तुझे केवल 5 मिनट की जिंदगी दी है, अपना नाम बता, गाम बता, बाप का नाम बता, माँ का नाम बता, कौन है तू, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। चले कौन नगर घर गाम तेरा जी, तू कौन कड़े ते आया है। हे मत पूछो महाराज, आज ना दाता हाल बताया। कौन नगर घर गाम तेरा, तू कौन कड़े ते आया। मत पूछो महाराज, आज ना दाता हाल बताया। मत पूछो महाराज, आज ना जाता हाल बताया। दिल से सुनना, दिल से अपना नाम बता, गाम बता, कौन है तू। के सिंह राजा का बेटा सूं। सिंह राजा जी, सजनों सिंह का मतलब शेर भी होता है और सिंह का मतलब शंख भी होता है। करोड़पति लखपति सुने होंगे, अरबपति खरबपति सुने होंगे, जहां गिनती खत्म हो जाती है उसे कहते महाशंख। उस शंखपति का बेटा है जी। कहिए के सिंह राजा का बेटा सूं और शालकोट से गांव मेरा। ओहो। एक माता एक मौसी बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। इकलौता बेटा है जी। राजा का बेटा है जी। दो माताएं हैं जी। फिर इस कुएं के भीतर, अच्छा तेरे पिता के किसी दुश्मन ने तेरी हत्या करी होगी। नहीं बेटा, खोल के बता अपनी कहानी। के दो माता मैं एक बेटा और नहीं दूजा भ्राता, ज्यादा मौसी ने समझू था थोड़ी जानी थी माता। एक दिन मिलन गया मौसी ते, आगे हाल कहा ना जाता, धरती अंबर हिल जाएंगे पर गुरु भेद बात का ना पाता। फिर मेरी मौसी हंस के न्यू बोली, मौसी हंस के न्यू बोली, अक हाथ हाथ में थाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। कहानी आधी रहेगी। मौसी के पास गया जी, अपनी मौसी को माँ से बढ़कर माना जी। मौसी ने हंस के कहा के हाथ में थाम मेरा जी। बेटा मौसी तो माँ के दर्जे से भी बड़ी होती है, थाम लेता। क्या हुआ? थाम लिया था। फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ बताइए। एक हाथ मेरी गर्दन पे गेरा मौसी ने। मौसी ने बेटे के गेर सकती है कोई। एक हाथ मेरी गर्दन पे गेरा, मेरे मुंह के धोरे मुंह धर के मामला बिगड़ा। सांस खेच के न्यू बोली, मेरी छाती में चुटकी भर के मौसी बोली, मौसी ना मैं तेरी लुगाई आ जा मिल ले दूर शर्म करके। मैं पाप समझ के भाग गया, मेरी काया कहां पे डर के। लाख कही पर एक ना मानी, मैं जानू और राम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। इसका मतलब तेरी मौसी के ख्यालात गलत थे जी, लेकिन तू अपने धर्म पे अडिग रहा। हाँ।
तो बेटा तेरे को महल से भाग जाना चाहिए था। मैं महलों तक भाग गया, मेरी मौसी ने एक जाल रचा के मेरा पिता महल में बुलवाया और झूठी साची दई जचा। मैं बालक अय्याश बना दिया, वह अपना आपा गई बचा। हुक्म दिया जब मारन का तो सियालकोट में शोर मचा। बाप ने हुक्म दिया? हाँ। ले जल्लाद चले जंगल में, ना बोलिया पिता जाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूर्ण मन से नाम मेरा। बेटा मुझे तेरी हालत देख के तेरी बात सुनकर बड़ा तरस आ रहा है। तेरी जिंदगी कितनी है? 12 साल का उम्र और 12 साल तने कुएं में पड़े पड़े हो लिए, 24 साल का हो गया तू तो क्या जल्लादों को रहम नहीं आया? ले जल्लाद चले जंगल में, समय राम ने फेर दिया, सारी नगरी रोवे थी के कर राजा ना अंधेर दिया। हाथ पैर दिए काट गुरु मेरी, कर काया का ढेर दिया, शर्त ऊंची उठा लाश बेधड़क कुएं में गेर दिया। कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के विपदा का इष्टाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूर्ण मल से नाम मेरा। सारा भेद खोल के कह दे, सारा भेद खोल के कह दे, मैं सुन लूं तेरी कहानी। शंख भूप से मेरा पिता माँ इंद्रा दे महारानी के पिता पुत्र में हुई लड़ाई, क्यों छोड़ी राजधानी। एक नूना दे मौसी के कारण मन पड़गी विपदा ठाणी, नूना दे मौसी के कारण पड़गी विपदा ठाणी। उम्र तेरी घनी आनी बेटा, उम्र तेरी घनी आनी बेटा, के काम ने घड़ा सताया। इश्क जाल, अरे इश्क जाल गेरा मौसी ने मन मुश्किल गात बताया। इश्क जाल गेरा मौसी ने मुश्किल गात बताया। हे मारने मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बेटा पूर्णमल जी, हेलो, आपकी कोई भी गलती नहीं है और तेरी मौसी की भी कोई गलती नहीं है। कैसी बात कर रहे हो महाराज आप, सारी गलती मौसी तो सैकुरे की जड़। बेटा असली गलती बताऊं किसकी है? प्रदीप ठेकेदार जी धन्यवाद। असली गलती तेरे बाप की है। बाप की? हाँ। बाप की क्यों? के दूजा ब्याह करवा के तेरे बाप ने है? गलती कर दी मोटी। अनारो देवी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अनारो देवी जी, दूजा ब्याह करवा के तेरे बाप ने। मेरे बाप की गलती महाराज, मौसी की गलती है सारी। दूजा ब्याह करवा के तेरे बाप ने गलती कर दी मोटी। नूना दे लाया ब्याह के, उसकी उम्र घनी थी छोटी। इतने छोटे बच्चे के दोष लगा के उसने कार करी घनी खोटी। मन काम देव पे काबू पा रखा, ना ढिल्ली करी लंगोटी। ये सच्चाई है क्योंकि कच्चे सूत की रस्सी थे, आपको बताना भूल गया। सुनिए, जब पूर्णमल का शरीर कुएं के भीतर था, गोरखनाथ ने कहा कि कौन है? पूर्णमल ने कहा कि जिम मैं अपने शरीर से लाचार हूं, कटा पिटा हूं, असहनीय दर्द से तड़प रहा हूं, आप मुझे बाहर निकालो। तो गोरखनाथ ने कहा था, हो सकता है तू कोई पापी आदमी हो, तेरे को सजा दी गई हो और मैं तेरे को बाहर निकाल के बचा लूं तो तेरे पाप का भागी मैं भी बन जाऊंगा। पूर्णमल कहता है कि जी मैंने सपने में भी पाप नहीं करा। तो गुरु गोरखनाथ ने एक कच्चे सूत की रस्सी बनाई जो झटका लगते आराम से टूट जाए और ये कह दे कि अगर तू पाप का है तो ले इस कच्चे सूत की रस्सी को पकड़ ले
अगर तू पाप का होगा ये रस्सी टूट जाएगी, और अगर तूने पाप नहीं करा होगा तो कच्चे सूत की रस्सी से तुझे बाहर निकाल लूंगा। और सजनों बाहर निकाल लिया था बेटा जी, कच्चे सूत की रस्सी ते मने सत तेरा अजमाया, थारी कृपा ते मने आज नाथ जी यो जन्म दूसरा पाया। तो बेटा एक काम कर जी, तेरी यानी उम्र है जी, तेरा बाप बुड्ढा हो लिया, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं शालकोट में हाहाकार मचा है, जा बेटा मैं तुझे 100 साल की जिंदगी देता हूं, जाइए अपने वतन वापस लौट जाइए। गुरुजी आप चाहे मुझे इसी समय मार दो दोबारा, मैं दोबारा अपने देश शालकोट वापस नहीं जाऊंगा। तेरी कंचन वर्गी काया कर दी, उल्टा घर को जाइए, राजपाट धनमाल खजाना मन नहीं गुरुजी चाहिए। अरे तेरा बाप बुड्ढा हो गया, जाके राज चलाइए। मैं बीच भंवर में फंसा हुआ, फिर तू ही मार्ग दिखाइए। बेटा अपना धर्म निभाइए, रह भोलेनाथ की तेरे सर पे छाया, यो स्वार्थ का संसार गुरु सब अपना होया पर आया। अरे तू क्या चाहता है? मैं बाबा बनना चाहूं हूं। के मन तो मेरा भी करता है मैं बाबा बन जा, बहुत कठिन है। मन तो मेरा भी करता है मैं बाबा बन जा, पर ससुरा डर लागे कदे राम रहीम वाली ना बन जा। बाबा बनना आसान नहीं है। मैं बन लूंगा। अरे पागल, बहुत कठिन कठिन परीक्षाएं ले देनी पड़ती है। मैं दे लूंगा गुरु जी। कान पढ़वाने पड़ेंगे। तुम चाहे कुछ भी पढ़ लियो, कान में पढ़वाने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक सुन ले। कठिन जेठ धूने का तपना तेरी चमड़ी हो जा काली, मन दुख ही दुख देखे जीवन में जब ते सुरत संभाली, दुख ही दुख देखे जीवन में जब ते सुरत संभाली। हाय कोई करे आदेश संत को कोई दे जा सकारी, गुरु बेगराज कह रहे संत के आठो पहर दिवाली, बेगराज कह रहे संत के आठो पहर दिवाली। नंदलाल के घर जब पत्थर आड़ी, नंदलाल के घर जब पत्थर आड़ी, तेरी अमर बना दे काया, पहला संत हो गया राजी जट ने झोली चिपटा खाया, महल में मेरी आवाज कोई सुनता हो या फिर सुनती हो तो इस बाबा जी को बाहर आके दो मुट्ठी भिक्षा प्रदान करें। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे 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 माते तेरे के हो गया भी? ओहो मैं हाथ भी तो नहीं लगा सकता, गुरुजी ने मना करी, जल दो मेरे को थोड़ा सा। अच्छा जल खोद रहे हो क्या? अच्छा लाइए। ओम नमः शिवाय। राजकुमारी जी। अरे नमस्ते नमस्ते बाबा। हाँ जी, और वो भी इतना छोटा सा बाबा। मुझे ऐसा लगता है चक्कर आपकी आंखें खराब होगी, मैं इतना को ना, मैं कम तो कम इतना हूँ। इतना छोटा सा बाबा मेरे महल में? हाँ। आप सबसे पहले अंदर आइए। अंदर आइए। मैं तो एक बार गया था, धोखा खाए बैठा हूँ, मैं नहीं आऊँ अंदर। नहीं नहीं बाबा जी, हाँ जी। आप अंदर आइए।
नहीं माता, बाहर धूप हो रही है, आप काले पड़ जाएंगे। माता जी मुझे तो आदत है धूप में रहने की, आप एक काम करो मुझे दो मुट्ठी भिक्षा दे दो, मैं जाना चाहता हूँ। भिक्षा? भिक्षा अगर मैं आपको भिक्षा के साथ में अगर मैं आपको और कुछ दे दू तो? भिक्षा के साथ में और कुछ क्या देंगे आप? पहले भीतर ना, भीतर तो मैं आऊंगा नहीं, बाहर जो देना है वो दे दो। अगर मैं आपको भिक्षा के साथ में एक सुंदर सी, अच्छा एक मलूक सी भैंस देगी, भैंस नहीं और एक बहू दे दो तो? बहू? हाँ ना 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 ना, मेरे गुरुजी ने मुझे ब्रह्मचारी रहने का संकल्प दिया है, मैं बहू तो सपने में भी ऐसे विचार नहीं ला सकता माते। आप मेरे ब्रह्मचारी, ओ देख ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी तो राम रहीम जैसे न रहे, तू कौन सी खेत की मूली है? मैं मूली को ना, मैं मूला हूँ, और वो मूला भी ईशा बीज खातर नहीं छोड़ दिया करते, वो पाटता नहीं है जी। अच्छा मजबूत मूड़ा, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, आप मुझे गलत समझ। आप पहले अंदर आओ। अंदर नहीं आऊंगा। अंदर आके आराम से बैठ के बात करेंगे। मैं अंदर नहीं आऊंगा। आपको नहीं पता कि मेरे दरबार में 1400 साधु संत आए हैं, और जो मेरी बात नहीं मानता ना तो उसका सर धड़ से अलग कर देती हूँ। थारा गया सुसरी जिंदगी मरण मरण में जाती दिखे मेरी तो, अब तू भी मारने में तैयार हो रही है? बिल्कुल, मैं नहीं आऊंगा जा। अच्छा हाँ आ जाओ अंदर। अरे रहने दो और मेरे छोटे से बाबा। नहीं नहीं नहीं, बाबा भीतर आ जा। अच्छा हुदी भगवान चुलाता नहीं, क्यों नहीं? बाबा भीतर आ जा, भगवान चुलाता थोड़ी हो, कितने पहरेदार बैठे हैं, मश पकड़ ले जाएगा तो मुन छोड़। अरे पागल कहते हैं ना कि दिल आ गया गद्दी पे तो परी क्या चीज है। ये आप मेरी बढ़ाई कर रहे हो, बेइज्जती। गद्दी गद्दी हूँ मैं, तू कुछ भी समझ रहे। अब मेरा तो दिल आ गया तेरे पे। हाँ। अब मुझे तो तू पसंद है। हम साधु संन्यासी आदमी तेरे साथ मरूंगी तेरे साथ, इनमें से कोई सा भी काम नहीं हो सकता। अच्छा मैं हूँ सन्यासी आदमी, भीख मांगना और भीख में जो भी मिले वो खाना गलत। मैं खिलाऊंगी आपको 56 तरीके के पकवान। कौन सा चाहिए 56? अच्छा हाँ, बन सज निर्मण कर ले बर ले सुंदरासी हूर, बन सज निर्मण कर ले बर ले सुंदरासी हूर, तिर जैसा तिर जैसा तिर जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे कानू तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा तेरे कानू। हम तन मन को कसते, अच्छा हम तन मन को कसते, बसते बस्ती से दूर, ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर, ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। तेरे उलझे बड़े लटूर, तेरे उलझे बड़े लटूर, तू बाबा जी सवार, ओह माया जाल हटा कर मन का शुद्ध विचार, ओह माया जाल हटा कर मन का शुद्ध विचार। Oh, 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 oh,
हुआ, मेरा कुछ खोना हो है। देख ले, नहीं मानेगा मेरी बात ना, सोच ले पागल, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, बार 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 नहीं मिलता। देख राजकुमारी, मैं बहुत शरीफ बाबा जी हूँ, कोई और आवे ना, हाँ उसने पकड़ ली मन जान दे, मेरे गुरु जी बहुत पिटेगा, मैं तेरे पैर पकड़ू, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। नहीं ना, मतलब मानेगा नहीं मेरी बात ना, मैं तो बालक हूँ। जा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, हाँ तो कहाँ है मेरी तलवार? होगी तलवार तो छोड़ो आप, है ना, मुझे जाने दो, भिक्षा भी नहीं चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ। जाना? हाँ ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं, और निचोड़ निचोड़ के छोड़ा। हाँ अरे राम, हे गुरु जी सुन ले मेरी बात। हाँ केसरी बाणा बावन जोगी के संग जाना, मनलात केसरी बाणा बावन जोगी के संग जाना, पहन खड़ाऊ नाचूंगी, पहन खड़ाऊ नाचूंगी, सिरोगण मैं होगी, एक जोगण मीरा बाई थी, एक जोगण मैं होगी, एक जोगण मीरा बाई थी, एक जोगण मैं होगी, करिए कर ले मुझसे शादी, मेरे कहले मौज करिए कर ले मुझसे शादी, ना मानी ना मानी ना मानी बात मेरी, तुझे कर दूं बर्बादी, ना मानी बात करी मेरी कर दूं बर्बादी। आप एक राजकुमारी हो और आप पता है क्या कर सकते हो? क्या कर सकती हो? कोई राजा ने वर ले, ओए होए, कोई राजा ने वर ले, ओ हो, तन मिल रही आजादी, अच्छा गोरखी नजरा में, मेरे गुरु की नजरा में मैं बन जा अपराधी, गोरखी नजरा में मैं बन जा अपराधी, मेरी कटती है ना व्याधी, मेरी कटती है ना व्याधी, मैं उरी सुबीमार। अच्छा बीमार है तू? बीमार तो देख मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पर मेरे गुरुजी हैं। अच्छा वे जरूर कुछ कर सकते हैं? नहीं कर नहीं सकते, करेंगे तो वो भी नहीं, मैं जानता हूँ उनको। अच्छा। पर वो तेरी बीमारी ठीक कर देंगे। अच्छा हाँ। चलो मैंने लेके चल अपने गुरुजी के, शांति कर ले, आराम तो लेकर चलू, अगल गल हो ले। अच्छा हाँ आ जा, तेरी इश्क बीमारी का गुरु को रख पे उपचार, तेरी इश्क बीमारी का गुरु को रख पे उपचार। आ जा, गुरु गोरखनाथ पूर्णमल का इंतजार कर रहे, समाधि लगाए बैठे के पूर्णमल आएगा और कुछ लेकर के खाने पीने का सामान लेकर के आएगा। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ये छोरियां बात नहीं लगवाते, पीछे हो जा, धोक मार रही हूं मैं, धोक। अरे तू बाद में मार लिए जो मारा। अरे पूर्णमल, गुरुजी गुरुजी प्रणाम। आदेश बच्चा आदेश, आ गया? हाँ जी। वाह बेटा वाह, उस काले मुंह की नागण के घर से जिंदा वापस आ गया, गुरुजी उस डाकण के घर से जिंदा आ गया। गुरुजी मेरी बात तो सुनो। वाह बेटा वाह, वो इतनी गंदी औरत है, उसने 1700 बाबा जीओ का कत्ल करा क्या है? गुरुजी चुप हो जा। उस कुलचनी उस डायन के घर से जिंदा आ गया। गुरुजी ला, क्या लाया है भिक्षा में दिखा? गुरुजी उसने भिक्षा नहीं दी, और वो साबती आ गई तेरे पीछे खड़ी। अरे रे रे, पहले बताता। राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी सुंदरा दे, गुरुजी आप क्यों आ गई? हमें बुलवा लिया होता। अभी आप क्या कह रहे थे मेरे बारे में? अरे वो तन्न नहीं कह रहे थे, वो फिर? वो कांजरी है कुछ तक कह रहे थे। अच्छा हाँ। तो गुरुजी कोई बात नहीं, गुरुजी सबसे पहले आपके चुन्नों में रखो। दूर दूर, हम नाथ पंथ के योगी हैं, महिलाओं से माता बहनों से पैर नहीं छुआते। गुरुजी धोक लगा रही हूँ, नक्की तेरी धोक, हमने मान ली तेरी धोक। अच्छा दूर क्यों आई है? गुरुजी सबसे पहले तो मैं आपके लिए कुछ लेकर के आई हूँ। क्या लेकर के आई? आपके लिए गुरुजी मैं भंडारा लेकर के आई हूँ।
भंडारा भंडारा भोजन प्रसाद जी। तो सुन, हाँ मैं अकेला भोजन नहीं खाऊंगा, फिर ये मेरे 1700 चेले और बैठे ये सारे खाएंगे, ये बाई बैठी है सब खाएंगे। अच्छा, सुबह का टाइम होने वाला है, सारे भूखे हैं। क्या क्या है तेरे भंडारे में? गुरुजी, देसी घी की पूड़ी, वाह, देसी घी के लड्डू, देसी घी के जलेबी, अरे वाह, और क्या क्या है? देसी घी की कोई नहीं टिंडे की सब्जी, गुरुजी तू ही खा लिया, मैं ना खाऊं, भिंडी की सब्जी, घिया की सब्जी, ये तो हरी तरकारी है, तोरी सब्जी, वाह, डाटले मिक्स वेज ना, डाटले जी, और तो सारी ठीक है, गुरुजी को बैंगन मत खुआ देना, इनको बड़ी एलर्जी है उसे। पूरन जी, हम तो अनायास इस बच्ची को गालियां दे रहे थे। बिल्कुल गुरु, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ जी, अरे ये तो पूजनीय है, तो गुरुजी चलो इसको पूजते हैं। नहीं, हम बाबा जी हैं। वाह, हम तेरा प्रसाद पाकर धन्य हुए बच्चा। थैंक यू गुरुजी। और हम चाहते हैं कि अब तू हमसे कोई वरदान मांग ले। अच्छा, हाँ गुरुजी, सच्ची मुच्ची, वरदान देने से पहले आप मुझे गुरुजी वचन दे दो। क्या आपको अकीदा नहीं है? नहीं है गुरुजी अकीदा। हम बिना वचन भी दे देंगे। गुरुजी वचन मत दिए, के बात यो अच्छी नहीं है माँ की। जब मैं गया था ना भिक्षा लेने, मेरे बिना कितनी तात लगा होती गुरुजी। अरे बेटा, हाँ ये इतनी धर्मात्मा है, हमें भोजन कराया, जाते जाते हीरे मोती कनी मणि प्रॉपर्टी जायदाद मांग लेगी। गुरुजी समझे कौन है, ये सांसारिक पत्थर रोड़े है हमारे लिए। मैं वचन दूंगा। दीजिए गुरुजी। गुरुजी वचन नहीं देने, हाथ पीछे वचन दूंगा। सुन लो मेरी बात तो, सुन लो, क्या हो गया? बिना वचन जो देना है दे दो, वचन नहीं गुरुजी। बेटा मैं वचन दूंगा, गुरुजी तू घबरा मत, ले वचन, गुरुजी मत दो वचन। एक दो तीन, जय हो गुरुजी की जय हो। गया काम तो, सुनिए गुरुजी। सतगुरु थर चरणों में, तथास्तु, सतगुरु थर चरणों में करूँ हाथ जोर परिणाम, सतगुरु थर चरणों में करूँ हाथ जोर परिणाम, थर लाई थर लाई थर लाई भंडारा, मेरा करना होगा काम, थर लाई भंडारा मेरा करना होगा काम, तेरा करना होगा काम। हम साधु सन्यासी जी ना रखे तोरे दाम। अच्छा, कदे पेमेंट मांगने लगे? कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इधरा क्या जा वचन, एक दो तीन, एक बार दिया गो गुरुजी, जा वचन दिया तुझको इब मांग ले कोई इनाम, जा वचन दिया तुझको इब मांग ले कोई इनाम। तो गुरुजी मांगिए, सुनिए मुझे वचन में आपसे क्या चाहिए? जो कहेगी दूंगा, ये गोरखनाथ का वचन है। अच्छा, हाँ तो बनु पूर्ण मल की बच्चा, पहले गई थी गुरुजी, बनो पूर्णमल की बाम। बाम का मतलब गुरुजी बहू, पत्नी। बच्चा गलत टिकट कटवा लिया, ये बच्चा तो हमने इसको ब्रह्मचारी रहने का प्रण दिया है। नहीं गुरुजी, आपने मुझे वचन दिया है, आप अपना वचन कीजिए पूरा। मैं तो धर्म संकट में फंस गया, इधर को मना करता हूँ तो वचन हार, इधर कुछ करवाता हूँ तो प्रण हार। पूर्णमल जान बचाइए, आजा, कोई बात नहीं, मतलब पहले नहीं ना, ठीक है आपने, एक मिनट में बात करता हूँ। हाँ करिए, आजा मेरे पूर्णे, आराम, आ मेरा पूर्णे, हट हट हट, बिचाओ, ओ मेरी छोटी सी मोमबत्ती, गुरुजी एक बात बताइए, ओ मेरी छोटी, मैं ठंडी हो जा, सुन आपको वचन किसने दिया? गुरुजी ने। तो गुरुजी नहीं ले जा, गुरुजी जा। मरवावेगा? और नहीं गुरुजी। देख बेटा, बच्चा जी, हम बड़े दयालु हैं जी, इधर आ,
इसके बदले में तू 5 चेले ले जा चाहे। नहीं गुरुजी, मने यूजी आजा, जा मेरी काली सी मोमबत्ती, मेरे पूर्ण। गुरुजी, पूर्णमल, गुरुजी, क्या तू चाहता है इतिहास ये कहे कि गोरखनाथ वचनहार हो गया? गुरुजी, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर लूँ, पर मैं क्या करूँ? बेटा, मेरे वचन को बचा ले, आपको जाना होगा सुंदरा दे के साथ। मेरी आसंग खोने गुरुजी, मैं ना जाऊँ। एक मिनट रुक, मैं बात करता हूँ। देख सुंदरा दे, ये बच्चा है, ये डर जाता है। गुरुजी, आपने मुझे वचन दिया है, अपना वचन पूरा कीजिए, वरना आप वचन हार हो जाइए। एक मिनट, वचन हार हो जाइए? हाँ जी। सुन बेटा, रो मत, रो मत, मैं हूं ना, अपने गुरु पर विश्वास है। आजो, मैं आपके आंसू पोछूंगी। तुम तो मुल्ला ही पूछ दिया कि सारा। पूर्णमल जी, मैं कोई युक्ति सोचता हूं। पिचर सुंदरा दे जी, गुरुजी, एक शर्त पे पूर्णमल को दूंगा। शर्त? हाँ। मतलब आप मुझे पूर्ण तो दे दोगे ना? बिल्कुल दूंगा, तेरे साथ गल गल कर दूंगा। तो गुरुजी, चाहे आप एक नहीं, चाहे आप कितनी शर्त ले लो, पर मुझे पूर्ण मल चाहिए। वचन दे। लीजिए गुरुजी। अब आ गया आठ में गुरुजी, हमने कह दे बाबा जी को ठोसो ले ले बग। जाना तो होगा। फिर वचन? अब देख फिर वचन का क्या करोगे? रुक 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 रुक, सुंदरा दे जी, गुरुजी, केवल एक बार पूर्णमल को दूंगा, तेरे में असंग उतने डांट लिए, ये बाज गया, मर गया, कि मैं और बात हुई, अगर तेरे दर्शन दोबारा मन कर लिए, तेरे तो बिना बात करे भसम कर दूंगा मैं तेरे को, दोबारा नहीं दूंगा। अच्छा, एक बार दूंगा, तेरे में भक्ति हो, शक्ति हो तो डांट लिए, न तो ये संत है न्यू काबू को ना आवे, एक बार दूंगा, दोबारा नहीं दूंगा, दे वचन। ले गुरुजी, ले ले वचन, कोई बात ना, एक बार बते रहा है। गुरुजी, एक बार मैं ही सूत बगाऊंगी पूरन। हाँ जी, आजा। एक मिनट रुक, आजा आजा कर रही, रुक। आजा मेरे पूरन। रुक एक मिनट, बाकी आशे मैं नहीं आता। पूरन जी, ये तेरी परीक्षा का वक्त है, मैंने तुझे कितनी शिक्षाएं सिखाई, परसों एक मंत्र सिखाया था मैंने तुझे, कौन सा? वो गायब होने वाला। उस मंत्र को जपते ही तू गायब हो जाएगा, तुझे कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन तू सबको देख सकता है। एक मंत्र और सिखाता हूं, जिस मंत्र को बोलने से आप आग लगा दोगे, अग्नि लगा दोगे। गुरुजी, वो वचन, वो मंत्र मुझे जल्दी सिखाओ, मैं तो सुसरी का भी लगा दूं। आपड़ी ताबड़ी ताड़ कर कर आपड़ी ताबड़ी कर कर। इसके घर जाके, हाँ जी, आग लगा देना, इसमें नहीं, महल में, और जब ये आग बुझाने लगे, दूसरा मंत्र गायब होने का व्रत के मेरे को ना जाइए, फिर दोबारा या मेरे पास आई तो मैं इस नाबड़ी का आपने ठोक कर दूँ। अच्छा, मेरी उड़ 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 कर देना। बेटा, तेरी परीक्षा का दिन है, आजा। सुंदरा दे जी, गुरुजी, जा ये दिया तेरे को, कर ले तन जो कुछ। आजा मेरा पूरण। पकड़ी एक मिनट, पकड़ी, शांत कर। क्या हो गया? इसको ये बोलो, हाँ, मैं बड़ा सहनशील स्वभाव का आदमी हूँ, हाँ, ऐसे में जाना पसंद नहीं करता, मुझे प्रेम के साथ लेके जाए, रास्ता में ही मुनो का दे पार दे, मैं आज भजन करते जाओ। आइए गुरुजी, भजन भजन करवाओ। रघुपति राघवे राजा रामपति पावन सारी वस्त्र उतारिए। हेलो, हाँ, बात चाहे कितनी कर ले,
कपड़ा एक नहीं उतारू ना, आप सारी वस्त्र उतारिए और राजा महाराजा वाले वस्त्र पहनिए। राजा महाराजा वाले वस्त्र पहनिए। नहीं नहीं, मैं इनमें कंफर्टेबल हूँ, देखो ढीले ढीले हैं। नहीं हाँ। आपको आज मैं अपने हाथों से आपको स्नान करवाऊंगी। हाँ, अपने हाथों से। नहीं नहीं, मैं अपने आप ला लूंगा, तेरा कोई भरोसा खोलिया तुम उठे गेर सका सा, सुन मैं नहीं लाऊंगा। नहीं, मैं आपको नहाऊंगी। हम तो सावन की बरसात में ही स्नान करते हैं। सुनिए मेरी बात। कहिए अपनी बात। चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। दूतेली 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 फुलेरी रमा मंगवा तू ना कर पान। दूतेली फुलेरी रमा मंगवा तू ना कर पान। जो फेरे आग लगी, अच्छा जो फेरे आग लगी तेरे जल रे महल मकान। अच्छा। जो फेरे आग लगी तेरे जल रे महल मकान। पलक झपकते ही हुए पूरन अंतर ध्यान। पलक झपकते ही हुए पूरन अंतर ध्यान। कैलाश चंदना दान, कैलाश चंदना दान ना जाने सर की मान। उसे अमित चौधरी दे बस करता घोड़ा प्यार। सच्चे सिद्ध संत के चरणों में नमस्कार करता हूं। नमस्कार। बार बार प्रणाम नाथ जी, तुम हो सच्चे बैरागी। चरण स्पर्श ना मेरे मतना चरण पकड़ राजन में बनू पाका भागी। मतना चरण पकड़ राजन में बनू पाका भागी। बार बार प्रणाम नाथ को, बार बार प्रणाम नाथ को, तुम सच्चे बैरागी। मेरे मतना चरण चरण पकड़े मैं बनू पाप का भागी। नाथ जी, जी आप संत हो जी, बेशक मैं 3 गुना बड़ा हूं उम्र में आपसे, लेकिन भगवान का भजन करने वाला बड़ा होता है, उम्र से बड़ा नहीं होता। एक बार चरण छूना चाहता है सलेभान। नहीं राजन, आप दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि आप उम्र में भी मुझसे बड़े हैं और आप इस नगरी के राजा भी हैं। देखना लोगो, बाप ने नहीं पिछाना लेकिन बेटे ने पहचान लिया, ये तेरा बाप है। के कहानी बनी आपका फेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। भूखी प्यासी पर जाती आज खिला हुआ सचेरा। 12 साल के बाद भूप मारा लगे दोबारा फेरा। 12 साल के बाद भूप मारा लगे दोबारा फेरा। राजा जी अब तो मैं जा रहा हूँ, 12 साल के बाद दोबारा आऊंगा। संत जी आपने मेरी नगरी के दुख दूर कर दिए जी, बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा भी एक दुख दूर कर दो। बताइए। नूना दे, ये मेरी रानी है न्यूना दे, छोटी रानी। पता नहीं इसको क्या हो गया, कोई भी वैद्य हकीम की दवाई इसको नहीं लगती। संत जी जी, इसके शरीर पे कोड हो गया, इसको जरा देखिए, मेरी रानी का कोई भी गोली वैद्य हकीम सब खराब। महाराज बुंडा या आलो रहे, चिली पड़ी है तो सारी।
पता नहीं क्या हुआ। हाँ। मेरी रानी का दुख दूर करो, रानी का दुख दूर करो। कोड के कारण परेशान नहीं है, और दुख दूसरा होता है औरत का। वो कौन सा महाराज? और वो इतना बड़ा दुख है जिसका लागे वो ही जाने। मेरी रानी का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अभागी। करम रेख इसकी करम रेख न्यू कहरी से यो थारे पुत ने भागी। करम रेख न्यू कहरी से यो थारे पुत ने भागी। मेरे पुत को खागी? महाराज इसकी कर्म की रेखा ये बता रही है किसने आपके बेटे को मरवा दिया है। मेरे पूरणमल को? हाँ वो जो भी हो। इसने नहीं मरवाया, पूरणमल ने इसकी इज्जत लूटनी चाहिए थी। महाराज अब तो सब कुछ लूट पीट लिया, दुखी भी होली। इब तो क्या पता सच बोलने की बात करो महाराज आप। रानी न्यूना दे क्या चक्कर है महाराज? हाँ ये संत क्या कह रहे हैं महाराज? ये कहते हैं कि तूने पूरणमल को मरवाया है, इस कारण तू बिना बच्चे के रही और इसी कारण तेरे शरीर पर कोड है। हाँ महाराज ये सच है, सच है महाराज। मतलब मेरी चलती बेल को कतरने वाली तू खुद हुई? माफ कर दो मुझे। ए रानी मैं तेरी हत्या कर दूंगा। महाराज तू भी जब की जब ही तलवार उठा कर काटन में बाजे लड़ जा, गलती तेरी भी तो थी। हाँ मेरी गलती थी। तूने भी बुढ़ापा में नया नया स्वाद चाहिए थी। मेरे साथ न्यूना दे तेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे फूल सा बालक कटवा दिया तने, शर्म नहीं आई? डूब के मर जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। माफी दे दे संत मने रे, माफी दे दे संत मने, यो सबसे बड़ा कसूर करया। पूरन मल था जेठा बेटा, क्यों रे अपने दिल से दूर करया। पूरन मल था जेठा बेटा, क्यों अपने दिल से दूर करया। मेरा मन चंचल हो गया उस पे रे, मेरा मन चंचल हो गया उस पे, मेरा सपना उसने चूर करया। तू बेटे पे आशिक होगी नहीं, दिल से दूर करूर करया। बेटे पे आशिक होगी नहीं, पेट की आग बुरी हो सैन्यू, आज समझ में आ गई। पेट की आग बुरी हो सैन्यू, आज समझ में आ गई। कहते हैं जो बुरा करने वाले वाले होते जी, उनको परमात्मा देखता है, इंसान क्या देखेगा। इसके करे कर्म का फल भगवान देगा। संत जी आज तो मैं ये कहूंगा, अरे जो राका भला करे उसका ईश्वर करया करे, हर मारे तो न मरता मानस, ध्यान करे तो मरया करे। इसके शरीर पे कोड है और ये बांझ है। संत जी इसने तो मेरा नाश करया, मैं इसका धनी हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि इसका भला हो। संजी इसकी दो पीड़ा है, एक बांझ है, दूसरा शरीर खराब है, कोड है कि मैं कर सकते हो तो कर दो। जल मंगवाओ इसका कोड। जल ला, जल 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 जल। ओम हरि ओम अज्ञान तिमरान दशियाना तमशलाकाय चक्षुन विलितम न जल निकल जा। एक सबके में शोरण के सिखाया पहले जैसी कर दी। बोलो गुरु गोरखनाथ की। हो
बाद। तो महाराज अब मैं चलता हूँ, मैं 12 साल के बाद आऊंगा। एक एहसान और करजो नहीं तो कल को प्रजानू कहेगी राजा रानी के मुंह में पहले भी नाश कर लिया और फिर दूसरा नाश कर लिया। एक काम और कर दो जी। इंसरा दे। कहिए महाराज। ये पूर्णमल की माँ है जिसने 9 महीने कूख में रखा। इस अभागण की मैंने एक को नहीं सुनी। इसने कहा था कि पूर्णमल के बारे में जवाब करूंगी पहले तार मेरा सर, मैं भी गैल मरूंगी। मैंने सुनी को न्या, या रो रो के अंधी होगी। मैंने इसके आंसू भी नहीं पूछे महाराज। मन तो ऐसा लगे है इस पाप से मैं उबर नहीं पाऊंगा। नाथ जी अगर इसकी आंखों का भी कोई इलाज आपका नहीं तो वो भी कर दो। हाँ देखे कहती महाराज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? मुझे ऐसा महसूस ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा पुत्र पूर्णमल यही कहीं हमारे आसपास में है। देखिए माँ की ममता होती है, आंधी को भी पता चल जाता है कि तेरा टाबर आ लिया करने। दूध की धार छूटती है सजनो एकदम से। और इंसरा दे जी महाराज। इस बाबा को देख के एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे हूबहू मेरा पूर्णमल हो, लेकिन उसको तो मैंने अपने हाथों से कत्ल करवा दिया। बरसों गुजर गए, ये तेरी ममता व्यर्थ है। मारा पूर्ण तो मर लिया रानी। नहीं महाराज, एक माँ की ममता ही जान सकती है। मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है कि हमारा पूर्णमल हमारे आस पास जरूर है। माँ सजनो रुकिया नहीं गया बाबा, मैं जोरदार ताली चाहूंगा। रुकिया नहीं गया क्योंकि माँ की ममता के आगे विधाता भी मंजूर। अरे पूर्ण पूर्ण पूर्णिया, अरे तू जीवे है? और मैं सबने मार के मरूंगा। आज पाछे बात करूंगा कहते कि मैं और कहानी बन जा। पहले माँ की आंख ठीक कर। अच्छा जल मंगवाओ। जल 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 जल। अरे जल्दी रे। ओम आल तेरी माँ की आंख ठीक। जाइए जाइए। बेटा पूर्णमल मेरी कोड़ी में बजा, मेरे गले लग जा बेटा। अरे कहाँ जाता है बेटा? ना ना मुन मरवाया था तू। गलती होगी बेटा। ना ना मुझे पता नहीं था बेटा, गलती होगी। माफ कर दे अपने अपने पिता को, माफ कर दे। कोई ना बापू, तेरी भी गलती को ना, जब तो तू रांड का चक्कर में फंस रहा था। मैंने तेरे तो पहले कही थी कि काला नाक कदे ना अपना, चाहे कितना ही दूध पिला ले। गधा गऊ नहीं बन सकता, चाहे 100 बार गंग नवा ले। एक बाण आले की बाण ना जा, चाहे 4 वेद पढ़ा ले। अरे पिताजी औरत अपनी ना होती, चाहे कितने लाड लगा ले। बेटा आज आंख खुल गई है, मैं तो रिटायर हो लिया। ये सिंहासन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ये बाबाजी के कपड़े उतार, वस्त्रों को उतार। सारे आदमी मेरे लत्ते क्यों कटवाने हो रहे, मैं नहीं तारता लत्ते। और राजाओं के कपड़े पहर। हाँ राजपाट का भोग ठाट रे, राजपाट का भोग ठाट रे। तार फकीरी बाणा मेरे भाग बैराग लिखा सदा मांग मांग के खाना। मेरे भाग बैराग लिखा सदा मांग मांग के खाना। मैं कभी तेरा संत का बाणा ना उतरवाऊं। अगर मेरे कोई दूसरा बेटा होता उसको राजा बना देता। मजबूरी ये है बेटा। आह सोला तू इस है कोई दूसरा टाबर भी कोन्या, बाड़क कोन्या दूसरा हमारा है। पिताजी कोशिश करो हो जाएगा। किसके हो जाएगा? कोशिश कब कर दे। बिन संतान दुखी बेटा जीते जी मर जाना। बेगराज गुरु बेगराज दे तू बबूत तेरी पूरी होगी जाना। बेगराज दे तू बबूत तेरी पूरी होगी जाना। पूर्णमल ने कह दिया कि पिताजी मैं तो वापस नहीं आऊंगा, ये बबूत लो और इस बबूत को न्यूना देखो छोटंटी रानी जो उसको खिला देना। उस बबूत के खाने मात्र से रानी न्यूना दे के गर्भ से
9 महीने के बाद एक पुत्र पैदा होता है लोगों, जो आगे चल के शालकोट का राजा बना, जिसका नाम था राजा राव रिसालू सिंह। कैलाश चंद का सुन के गाना, कैलाश चंद का सुन के गाना, आनंद में हो काया। कैलाश चंद का सुन के गाना, दिल में आनंदी छागी। अमित चौधरी ज्ञान की गोली भी सभा में लागी।